गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टेम के बारे में बताया था, आज मैं आपको बता रही हूँ लीफ। व्हाट इज लीफ? आज की डेट डाल लीजिए। लीव्स आर प्लांटेड ग्रीन स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो लीफ है वो प्लांट का एक बहुत इम्पोर्टेंट हल्का पार्ट होता है। हल्का मतलब लीफ लाइट होती है, प्लांटेड मतलब ऐसे शेप में होती है जो फ्लैट होती है। लीव्स अराइज फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम। जो लीव्स है मैंने बताया था नोड इंटरनोड, वहां से अराइज होती हैं और वहीं से ब्रांचेस निकलती हैं। सभी पेड़ की लीव्स एक जैसी नहीं होती, सबकी लीव्स अलग अलग होती है, सबका शेप साइज कलर, कलर में तो मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं। ए टिपिकल लीफ हैज थ्री पार्ट्स। लीव के मेन तीन पार्ट्स होते हैं, लेमिना जिसको हम लीव ब्लेड भी कहते हैं, पिटियोल जिसको हम स्टॉक कहते हैं। अभी आपको पिक्चर देख के मैं बता रही हूँ। थर्ड है लीफ बेस। अब ये पिक्चर देखिए आप, ब्लेड ये जो साइड साइड में जो लाइन अराइज हो रही है दैट आर वेन्स, जहां से लीफ निकलती है स्टेम के जिस पार्ट से निकलती है दैट इज पिटियोल, और जहां से ये नोड, ये लीफ के साथ में जो एक निकली हुई है नोड, और ये बीच का जो मेन लाइन जाती है इसको हम मिडरिफ कहते हैं, और नीचे का ये लीफ बेस होता है, ये वाला नीचे का लीफ बेस होता है। सबसे पहले है लीफ ब्लेड। क्या है? लीफ ब्लेड। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना और लीफ ब्लेड। जो ग्रीन का ये लीफ ब्लेड देख रहे हो, जो फ्लैट पर्शन है इसको हम, ये जो इतना जो इतना ये पार्ट दिखा रखा है, ये फ्लैट पार्ट जो है इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। ये स्टेम से अटैच होता है, जो नैरो है, देखो देख रहे हैं आप, यहाँ से नैरो है, शॉर्ट है, स्टॉक है, इसको हम पिटियोल बोलते हैं इस चीज को। ये दिखा भी रखोगा, ये दिखा रखा है, देखो नीचे, दिस इज कॉल्ड द पिटियोल। द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस। और यहाँ जैसे हो जाती है इसको हम, जैसे यहाँ से लीफ अटैच होती है जिस पार्ट से, इसको हम लीफ बेस कहते हैं। ये पार्ट ऑफ ए लीफ। ऑब्जर्व द लेमिना केयरफुली। आप इस लीफ को देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें नेटवर्क जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर इधर एक नेटवर्क बना हुआ है। तो यही कह रहा है, ऑब्जर्व द लेमिना केयरफुली, यू विल फाइंड दैट ए नेटवर्क ऑफ लाइन इज प्रेजेंट। नेटवर्क ऑफ लाइन इज प्रेजेंट, दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स। इनको क्या कहते हैं? वेन्स। द पिटियोल कंटिन्यू इन द लेमिना एज द थिक वेन इन द मिडल। अरे बीच में से आप देख रहे हैं, बीच में से ये थिक वेन जा रही है, ये थिक वेन जा रही है, साइड में साइड वेन है, थिक वेन, द पिटियोल इन द कंटिन लेमिना एज वेन इन द मिडल, दिस वेन इज कॉल्ड द मिडरिब, इसको मिडरिब बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड द वेनेशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डिफाइन आएगी, व्हाट इज वेनेशन। इन वेन्स का लीव्स में अरेंजमेंट होना वेनेशन कहलाता है। सभी लीव्स में वेन्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। लीफ वेनेशन में भी इधर पैरेलल और रेटिकुलर, दो तरह का होता है, पैरेलल होता है, एक होता है रेटिकुलर। जो ये वेनेशन आप देख रहे हैं, दीज आर द रेटिकुलेट, दीज आर द रेटिकुलेट। मैं दिखा रही हूँ आपको रेटिकुलेट कैसे होता है, ये देखो, दीज आर ये रेटिकुलेट वेनेशन, अल्टरनेट, एक इधर और एक उधर, लेकिन पैरेलल में जो लीव्स है वो ऐसे पैरेलल जाती हैं। केले के पत्ते में आपने देखा होगा, ये पैरेलल जाती हैं। अब रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन में वेन्स विद फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन उनमें होता है जिनमें फाइब्रस रूट होती है, आर पैरेलल टू ईच अदर अलोंग द लेंथ ऑफ द लीव। दिस इज सीन लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्रास, अभी मैंने बताया बनाना एंड पाम। अंडरलाइन कर लीजिए इनको, जो पैरेलल वेनेशन है, और ये भी आ जाएगी फाइब्रस रूट किस किस में होती है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होती हैं वो एक नेट की है, ये दिखाई ना मैंने आपको ये वाली पिक्चर, पीपल का पत्ता भी आपने देखा होगा, उसमें भी ऐसी होती हैं, ये वाली नेट लाइक पैटर्न होता है दोनों साइड के, मिडरिब पे दोनों साइड में, जिसको हम किस किस प्लांट में देख सकते हैं हम, ये जिसमें टैप रूट होती हैं, पी ग्राम मैंगो पिटोनिया और रोज। अब है फंक्शन क्या है लीफ के, ये तो आपने पढ़ा लीफ कहाँ से निकलती है, लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं, लीफ क्या काम करती है। अब इसके अब हम पढ़ेंगे इसके लीफ क्या काम करती हैं। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड द प्लांट, फूड फॉर द प्लांट बॉडी। लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर फूड फॉर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर, लीव्स का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सन से सनलाइट और जमीन से सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेकर फूड प्रिपेयर करती है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना। कस्कुटा प्लांट इज ए पैरासिटिक प्लांट। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है।
इट हैज़ नो लीव्स, इसकी लीव्स नहीं होती हैं, और ये एंड कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, इसलिए वो अपना खाना तैयार नहीं कर सकता है। तो अपना खाना तैयार ना करने के कारण इट टेक्स फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स, वह दूसरे प्लांट से अपना भोजन लेता है। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, इसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स फूड प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, वाटर का सिंबल होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2। इसके अलावा टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो लीव की सरफेस पे होते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए और बदले में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जिसको हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। विस टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा, ये जो गैसों का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। थर्ड है, प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स, जो प्लांट्स है वो प्लांट्स में यदि एक्स्ट्रा वाटर होता है तो लीव्स के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जिस और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, पौधों में से पानी का बाहर निकलना लीव्स के द्वारा भाप बनकर वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन कीपिंग द लीव्स कूल, ट्रांसपिरेशन के कारण जो लीव्स होती हैं वो ठंडी रहती हैं, कूल रहती हैं। इन एडिशन टू दिस फंक्शन लीव्स में बी मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, इसके अलावा लीव्स, कुछ लीव्स कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे मैंने कैक्टस में बताया था आपको। टेंड्रिल आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट, टेंड्रिल में हो जाती हैं, जिस जो इंसेक्ट्स को मॉडिफाइड जो मॉडिफाइड हो जाती हैं, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती है। पीचर प्लांट में आपने देखा है, पिक्चर भी बनाई है, जिसमें टेंड्रिल होता है, जिसमें लिड होती है, इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लिड ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, लीव्स आर मॉडिफाइड टू गिव स्पोर्ट्स, जो लीव्स होती हैं वो स्पोर्ट्स सहारा देने के काम आती है, जैसे कि इन पी प्लांट बताया था मैंने, टेंड्रिल होता है, जो प्लांट वीक होता है वो उसकी जो एक रफ सरफेस पे चारों तरफ गिर जाता है और प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प कर लेता है। घिया तोरी की बेल में बताया था मैंने आपको, अंगूर की बेल में ऐसा होता है। और लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, वो ऊपर जो मैंने बताया वही है, कैक्टस में जो लीव्स होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे पानी भाप बनकर नहीं उड़ता। और दूसरा, स्पाइंस आर ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ईटिंग बींग ईटन अवे बाय द क्रेचिंग एनिमल्स, और काटे होते हैं तो प्लांट्स उनको, जो जानवर होते हैं उनको खा नहीं पाते और उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, ये लीव्स के बारे में आप पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।